Hello friends, and welcome back to the course of Power Engineering and Refrigeration for the student of 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harude from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. These are the lectures on internal combustion engine, and our today's topic is MPFI, that is multi-port fuel injection. The session outcomes. After completion of this video lecture, the learner will be able to draw the layout of MPFI. So, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि MPFI में कौन से components होते हैं और वो सारे components किस तरह से work करते हैं. Then we are going to learn about explain working of MPFI with neat sketch. तो MPFI की working के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. And in the end we are going to learn about the various sensor used in MPFI. तो last में हम लोग MPFI में use होने वाले सारे sensors के बारे में बात करेंगे. आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है कि आपको पेट्रोल इंजन की वर्किंग के बारे में सभी कुछ पता रहे. तो इसीलिए अगर आपको पेट्रोल इंजन की वर्किंग के बारे में पता नहीं है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले पेट्रोल इंजन की वर्किंग वाला वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए. MPFI के बारे में पढ़ने से पहले ये बहुत जरूरी है कि कन्वेंशनल फ्यूल सप्लाई सिस्टम पेट्रोल इंजन का किस प्रकार का होता है, यानी जो अभी पेट्रोल इंजन हम लोग यूज करते हैं उसका फ्यूल सप्लाई सिस्टम किस तरह का होता है, पहले हम लोग वो पढ़ेंगे. तो सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखने वाली बात है कि इन पेट्रोल इंजन द कंबस्टिबल मिक्सचर इज सप्लाइड, यानी इंजन में, पेट्रोल इंजन में जो एयर और फ्यूल है उसका मिक्सचर सप्लाई किया जाता है सक्शन स्ट्रोक में. देन प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो इज प्रिपेयर्ड एंड सप्लाइड टू इंजन बाय कार्बोरेटर. तो हमारे व्हीकल्स में ये जो एयर फ्यूल रेशियो है ये कौन सप्लाई करता है, कार्बोरेटर. एक डिवाइस होता है कार्बोरेटर, हम सबको पता है कार्बोरेटर नाम का एक डिवाइस होता है. तो ये डिवाइस का काम क्या है, एयर फ्यूल रेशियो को प्रिपेयर करना और उसको इंजन को सप्लाई करना सक्शन के टाइम पर. देन दिस एयर फ्यूल रेशियो डिपेंड्स अपॉन द वेरियस कंडीशन एंड सो क्या होगा, एयर फ्यूल रेशियो अलग अलग होता है इंजन की स्पीड के हिसाब से. कम स्पीड पे अलग, इंजन की कोल्ड स्टार्टिंग हो रही है तब अलग. तो ये सारी स्पीड इंजन की जरूरत के हिसाब से एयर फ्यूल रेशियो चेंज होना चाहिए. देखिए इतनी सारी टाइप की कंडीशंस हो सकती है, यानी 8:1 फॉर कोल्ड स्टार्टिंग. आप अगर ठंड के मौसम में इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं, इंजन ठंडा है शुरू कर रहे हो तो 8:1, यानी फ्यूल ज्यादा एयर कम. उसके बाद आइडलिंग, इंजन अगर आइडलिंग पर है यानी नो लोड पे चल रहा है, गाड़ी खड़ी है इंजन शुरू है तो 16:1. थोड़ा सा आपने अगर एसिलरेट किया है तो 15:1. फुल एसिलरेशन पे 13:1. और अगर आप हाईवे पर फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हो तो 18:1. तो ये अलग अलग कंडीशन में, यानी इंजन का एयर फ्यूल रेशो वैरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 8:1 से 18:1. और ये सारा करना पड़ता है कार्बोरेटर को. So, ऐसा कंडीशन के हिसाब से हम लोग मिक्सचर को प्रिपेयर करेंगे और फिर ये मिक्सचर सप्लाई करेंगे कंबशन चेंबर में. तो सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम, कितने पार्ट्स होते हैं. तो सबसे पहले यहां पर होता है फ्यूल टैंक. फ्यूल टैंक में हम लोग फ्यूल को जमा करके रखेंगे, फ्यूल को स्टोर करके रखेंगे. ये फ्यूल पंप यहां पर होता है, एक फ्यूल पंप जो यहां से इस फ्यूल को यहां से सप्लाई करता है कार्बोरेटर को. जब ये सप्लाई करता है तो बीच में एक फ्यूल फिल्टर लगा हुआ रहता है जो फ्यूल के अंदर में अगर कोई सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है उसको निकाल देता है. तो ये सारी जो इम्प्योरिटीज है ये यहाँ पे जमा हो जाती है और उसके बाद फिल्टर्ड फ्यूल फ्यूल पंप से कार्बोरेटर में सप्लाई करता है. कार्बोरेटर को हम लोग यहाँ से फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग एयर सप्लाई कर रहे हैं. इस एयर को भी फिल्टर किया जाता है तो फिल्टर्ड एयर और फिल्टर्ड फ्यूल हम कार्बोरेटर को सप्लाई करते हैं. कार्बोरेटर क्या करता है, इस एयर फ्यूल का मिक्सचर तैयार करता है
इंजन की कंडीशन के हिसाब से। और उसके बाद ये थ्रॉटल वॉल होता है, ये थ्रॉटल वॉल हम लोग कंट्रोल करते हैं। जब आप एक्सीलरेटर को कंट्रोल करते हो तो आप एक्चुअल में ये थ्रॉटल वॉल कंट्रोल करते हो। तो ये थ्रॉटल वॉल से यहाँ से आपके इंजन के अंदर एयर फ्यूल रेशो सप्लाई किया जाता है सक्शन के टाइम पर। तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इंजन के फ्यूल सप्लाई सिस्टम में। ये स्पेशली SI इंजन के लिए है क्योंकि यहाँ पर कार्बोरेटर यूज हो रहा है। तो ये कन्वेंशनल सिस्टम है, पर मॉडर्न सिस्टम में दूसरा सिस्टम यूज किया जाता है MPFI। लेकिन क्यों हम लोग MPFI यूज करते हैं पहले वो डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों MPFI पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि कार्बोरेटर सिस्टम में ऐसे क्या लिमिटेशंस है, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है कि हमको MPFI सिस्टम डेवलप करना पड़ा। तो सबसे पहला, इट कैन नॉट प्रोवाइड अ परफेक्ट एयर फ्यूल रेशो कंसिस्टेंटली। यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने देखा था रिक्वायरमेंट 8:1 से 18:1, हर कंडीशन में अलग रिक्वायरमेंट है। और अगर इसी को इसके हिसाब से हम लोग सप्लाई करते रहे तो ये पॉसिबल नहीं होता कार्बोरेटर के लिए। देन कैनॉट कंट्रोल द वेस्टेज ऑफ फ्यूल इफेक्टिवली। कार्बोरेटर का एक प्रॉब्लम है कि इसका रिस्पॉन्स बहुत कम होता है, यानी रिस्पॉन्सिव। आपकी रिक्वायरमेंट अभी है लेकिन इसको रिप्लाई करने के लिए टाइम लगता है, यानी वो कंडीशन के हिसाब से एयर फ्यूल मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए उसको टाइम लगता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, फ्यूल का वेस्टेज होता है। डिजाइन बड़ा कॉम्प्लेक्स है कार्बोरेटर का। अगर आप डिजाइन देखोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर नोजल्स होते हैं, बहुत सारे सर्किट्स बने हुए रहते हैं जो उसके डिजाइन को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। रिस्पॉन्सिव बहुत कम है, यानी अगर कंडीशन चेंज हो रही है तो उसको उसके हिसाब से एयर फ्यूल रेशो सप्लाई करने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वेपर लॉक रिजल्टिंग द इंजन स्टॉलिंग। कई बार आपने देखा होगा वेपर लॉक हो जाता है, कई बार कार व्हीकल ओवरफ्लो हो जाता है। ये आपको हमेशा कंडीशन पता चलती है, अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो ओवरफ्लो वेपर लॉक हो जाता है और फिर इंजन को स्टार्ट करने में बहुत डिफिकल्टी जाती है। एंड डिलीवर्स लोअर माइलेज एंड पावर। इंजन का माइलेज और पावर बहुत कम हो जाता है कार्बोरेटर में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो नए एमिशन नॉर्म्स आ रहे हैं उसके हिसाब से कार्बोरेटर कंपैटिबल नहीं होता, यानी जो कंडीशन जो एमिशन आपको लिमिट गवर्नमेंट ने सेट की है नए BS6 नॉर्म्स में, उसमें कार्बोरेटर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर आप अभी देखेंगे, ध्यान देंगे मार्केट में, तो BS6 व्हीकल जो आ रहे हैं, जो टू व्हीलर्स भी आ रहे हैं, उसमें भी आपको कार्बोरेटर दिखाई नहीं देगा। सो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ कार्बोरेटेड फ्यूल सप्लाई सिस्टम। नाउ लेट्स लर्न अबाउट फ्यूल इंजेक्शन इन SI इंजन। तो फ्यूल इंजेक्शन SI इंजन में क्या प्रॉब्लम होती है? तो सबसे पहले, द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम फॉर कन्वेंशनल स्पार्क इग्निशन इंजन इंजेक्ट द फ्यूल। क्या कर रहे हैं? इंजेक्ट कर रहा है फ्यूल को। पहले कार्बोरेटर में फ्यूल आता था, यहाँ पे एक इंजेक्टर रहता है जो इंजेक्ट करता है फ्यूल को। ये जो सिस्टम होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, यानी एक कंप्यूटर होता है इंजन के अंदर जिसको हम ECM बोलते हैं, वो इसको कंट्रोल करता है। और इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इग्निशन यानी EFI भी कहा जाता है। कुछ मेन एडवांटेज है पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के या इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन से। सबसे पहला, इंक्रीज्ड पावर एंड टॉर्क। तो आपकी कंडीशन इंजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फ्यूल सप्लाई किया जाएगा तो ऑब्वियस है पावर और टॉर्क दोनों बढ़ेगा। बेटर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। हम फ्यूल को बहुत इफेक्टिवली यूज करते हैं, यानी जितनी फ्यूल की जरूरत है उतना ही फ्यूल सप्लाई करते हैं। तो इसीलिए इन इंजन्स की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होती है। देन मोर यूनिफॉर्म फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फ्यूल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होता है। हर इंजन सिलेंडर को बराबर फ्यूल सप्लाई किया जाता है मल्टी सिलेंडर इंजन में, तो इसीलिए यूनिफॉर्म फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो माइलेज जो है व्हीकल का वो भी इम्प्रूव होगा। देन मोर रैपिड रिस्पॉन्स टू चेंज इन लोडिंग कंडीशन। तो इंजन की जो लोडिंग कंडीशन है वो चेंज होती रहती है और उसके हिसाब से बहुत रैपिड रिस्पॉन्स मिलता है।
तो जैसे ही कंडीशन चेंज हुई उसी हिसाब से ये जो कंप्यूटर सिस्टम है वो फ्यूल की रिक्वायरमेंट जज कर लेता है और उसी हिसाब से फ्यूल सप्लाई करता है। मोर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ द इक्विवेलेंस रेशियो, तो एयर कितनी सप्लाई की है वो भी ये सिस्टम देखता है कि कितनी एयर सप्लाई की है और उसी के हिसाब से आपका फ्यूल सप्लाई किया जाता है। ये सारी चीजें पेट्रोल इंजन में करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं था, सॉरी कार्बोरेटेड इंजन में करना ये पॉसिबल नहीं है। वो कार्बोरेटेड सिस्टम सिर्फ इंजन के वैक्यूम प्रेशर पे यानी सक्शन के टाइम पे जो वैक्यूम प्रेशर जनरेट होता है उसी के बेस पे काम करता है। इसीलिए नए वाले नॉर्म्स के हिसाब से मोर पावर इंजन का, ज्यादा पावर एमिशन कम करना है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज करते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन के टाइप्स। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन यानी पेट्रोल इंजन में जब फ्यूल इंजेक्शन करता है तो दो टेक्निक होती है। सबसे पहली होती है थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है TBI। ये वाली जो टेक्निक है इसमें इंजेक्टर थ्रॉटल बॉडी में लगा हुआ रहता है, यानी जहां से एयर सप्लाई की जाती है वहां पर एक सिंगल इंजेक्टर यूज करते हैं और यहां से फ्यूल आता है वापस, ऊपर से एयर आ रही है, एयर के फ्लो में हम लोग फ्यूल को इंजेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट करते हैं उसके बाद वो जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो अलग-अलग सिलेंडर में सप्लाई किया जाता है। सो दिस इज नोन एज थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन, जिसको TBI बोलते हैं। ये जो टेक्निक है ये कार्बोरेटर से रिलेटेड थी, कार्बोरेटर के बहुत करीब थी। बेसिकली इंडिया में थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन वाली कोई भी व्हीकल लॉन्च नहीं हुई क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम था वो डायरेक्टली कार्बोरेटेड से पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे आ गए। ये मॉडर्न फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। यहाँ पर क्या होगा, इंजन वॉल के ठीक बाहर की जो जगह होती है, जैसे जहां पे इंजन वॉल फिट किया हुआ है उसके ठीक बाहर वाली जो कंडी जगह है इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट। अब क्योंकि ये इनलेट वॉल है तो ये होगा इनलेट पोर्ट। तो हम क्या करते हैं, जो फ्यूल इंजेक्शन होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है, वो इनलेट पोर्ट के पास में फिक्स होता है, यानी यहाँ जो आपका वॉल है उसके ठीक बाहर आपका फ्यूल इंजेक्टर लोकेट होता है और फ्यूल इंजेक्शन यहीं पर होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन। क्लियर है? सो मल्टी सिलेंडर इंजन रहेगा, अगर फोर सिलेंडर इंजन है तो हर सिलेंडर के इनलेट वॉल के बाहर यानी इनलेट पोर्ट में हम फ्यूल इंजेक्टर लगाएंगे, तो इसीलिए वो बन जाता है MPFI यानी मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। सो MPFI को बहुत लोग मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन भी बोलते हैं, पर करेक्ट टेक्निकल नाम क्या है, मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन। क्लियर? तो अगर सिंगल सिलेंडर इंजन रहा तो PFI बोलेंगे, पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन, मल्टी सिलेंडर इंजन रहा तो MPFI बोलेंगे। तो इतना याद रखिए। तो MPFI फ्यूल इंजेक्शन में क्या करते हैं, तो MPFI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर हम लोग, एक फ्यूल इंजेक्टर होता है, इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी हमने अभी देखा है, तो ये इस टाइप का फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं। देन वन इंजेक्टर पर सिलेंडर, यानी अगर आपका फोर सिलेंडर इंजन है तो चार इंजेक्टर लगे हुए रहेंगे, सिक्स सिलेंडर इंजन में छह इंजेक्टर रहेंगे। कहाँ पे माउंट होता है, माउंट्स इन इनटेक मैनिफोल्ड स्प्रे डायरेक्टली एट इनटेक वॉल। तो इनटेक मैनिफोल्ड में लगा हुआ रहता है और इनटेक वॉल के ठीक बाहर फ्यूल को स्प्रे करता है। देन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल, तो इसको ECM से यहाँ पे डायरेक्ट वायर कनेक्ट किया हुआ रहता है और इसको कंट्रोल करने का काम भी ECM करता है, यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए रहते हैं। सो बहुत सारे सेंसर लगे हुए होने की वजह से क्या होता है, ये सेंसर कंटिन्यूअसली इंजन की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं, उसका डाटा आपको ECM को सप्लाई करते हैं और फिर वो ECM इंजन को से ECM डिसाइड करता है कि कितना एयर फ्यूल रेशो सप्लाई करना है। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि एयर और फ्यूल का टेम्परेचर कम हो जाता है। देन लीनर मिक्सचर ड्यूरिंग वार्म अप, यानी जब
जरूरी है, जब इंजन कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे लीनर एयर फ्यूल मिक्सचर भेजता है, यानी एयर की क्वांटिटी कम होती है, सॉरी एयर की क्वांटिटी ज्यादा होती है और फ्यूल की क्वांटिटी कम। यहाँ देखते हैं लेआउट MPFI का। तो सबसे पहले जो मेन काम होता है ECU, यानी इंजन कंट्रोल यूनिट, इसको ECM भी बोलते हैं, यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो इसके अंदर कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ आउटपुट होता है। तो सबसे पहले इनपुट देख लीजिए। इनपुट में क्या होगा? मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, थ्रॉटल पोजिशनिंग सेंसर, स्पीड सेंसर, कूलेंट सेंसर, एयर टेम्परेचर सेंसर, लैम्ब्डा सेंसर यानी ऑक्सीजन सेंसर। ऐसे बहुत सारे सेंसर आपके व्हीकल में लगे हुए रहते हैं। और ये सेंसर्स क्या होता है, इंजन के कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करती है कंडीशन को। और ये कंडीशन को मॉनिटर करने के बाद इसका डाटा ECU को सप्लाई करते हैं। ECU ये सारे डाटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वो डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर साइकिल में, वर्किंग साइकिल में फ्यूल कितना सप्लाई करना है। और कितना फ्यूल सप्लाई करने के बाद ECU वो सिग्नल एक्चुएटर्स को भेजता है। एक्चुएटर्स मतलब आपके फ्यूल इंजेक्टर, बाकी और भी अलग अलग कंट्रोल होते हैं, फ्यूल पंप को कंट्रोल करता है और सारी चीजों को कंट्रोल करता है, पर अभी हम यहाँ फोकस करेंगे सिर्फ MPFI पे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक्चुएटर है इंजेक्टर। तो इंजेक्टर को सिग्नल मिलता है ECU से, ECU ने जैसे ही इंजेक्टर को सिग्नल दिया तो इंजेक्टर ओपन होता है। ECU डिसाइड करता है कि इंजेक्टर कितने देर ओपन रहेगा और कितना फ्यूल सप्लाई करेगा। और जितने देर इंजन का सप्लाई मिलेगा, जितने देर इंजेक्टर को सप्लाई मिलेगा, उतने देर वो इंजन को फ्यूल सप्लाई करेगा हर वर्किंग साइकिल में। तो इस तरह से ये MPFI सिस्टम काम करता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ MPFI। ये MPFI सिस्टम का कंस्ट्रक्शन और उसका जो फ्यूल मीटरिंग है, जो फ्यूल को सप्लाई करने की अमाउंट डिसाइड करने का जो सिस्टम है, उसके बेसिस पे, यानी कंट्रोल सिस्टम के बेस पे MPFI दो टाइप का होता है। पहला होता है DMPFI सिस्टम। सो इन DMPFI सिस्टम फ्यूल इंजेक्टेड इज डन कंसिडरिंग, यानी फ्यूल कितना सप्लाई करना है उसको बोलते हैं फ्यूल की मीटरिंग। तो कितना फ्यूल सप्लाई करना है ये डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर्स को चेक किया जाता है। सबसे पहले वो होता है इंजन का वैक्यूम प्रेशर, यानी इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर वैक्यूम प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है, और दूसरा इंजन स्पीड। तो ये दोनों चीजों को डिसाइड करके, दोनों चीजों को कंसिडर करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना फ्यूल सप्लाई करना है। दूसरा जो सिस्टम है वो होता है LMPFI सिस्टम, और इसमें जो फ्यूल की मीटरिंग होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक मास ऑफ एयर और दूसरा इंजन स्पीड। यानी इंजन स्पीड को तो कंसिडर करेंगे ही, लेकिन LMPFI में क्या करते हैं कि इंजन के अंदर कितनी एयर आई है उस पर्टिकुलर स्ट्रोक में, कितनी एयर हमने सप्लाई की है उसको कंसिडर करके हम लोग फ्यूल की जो क्वांटिटी है वो डिसाइड करते हैं। सो दैट सिस्टम इज नोन एज LMPFI। तो यहां आपने ध्यान दिया होगा कि एक सिस्टम में इंजन का वैक्यूम चेक किया जा रहा है, इंजन की स्पीड चेक की जा रही है, दूसरे सिस्टम में अंदर कितनी एयर आई है उसका मास चेक किया जा रहा है, यानी एयर की क्वांटिटी चेक की जा रही है। तो इसीलिए जो सिस्टम है इसमें सेंसर्स की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है। तो ये सेंसर्स के बेस पर ही MPFI सिस्टम काम करता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इस MPFI सिस्टम में कितने टाइप्स के सेंसर होते हैं। सो यहाँ देखिए ध्यान से कि सबसे ज्यादा कितने टाइप्स के सेंसर्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला होता है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, इसको मैप सेंसर बोलते हैं। तो मैप सेंसर का काम होता है मैनिफोल्ड का प्रेशर मेजर करना। उसके बाद थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, यानी आपका जो थ्रॉटल वॉल है, आपने एक्सेलरेटर कितना ओपन किया हुआ है वो चेक करने के लिए। देन इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, तो जो एयर अंदर आ रही है उसका टेम्परेचर कितना है,
वो चेक करने के लिए ये सेंसर यूज होता है। उसके बाद इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, यानी इंजन का कूलेंट, इंजन का टेम्परेचर कितना है वो यहाँ से पता चलेगा। उसके बाद ऑक्सीजन सेंसर, यानी ऑक्सीजन सेंसर एग्जॉस्ट में कितनी ऑक्सीजन गई है उसकी क्वांटिटी पता चलती है ऑक्सीजन सेंसर से। उसके बाद व्हीकल स्पीड सेंसर, तो व्हीकल की स्पीड पता चलनी चाहिए। एंड देन कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, इससे आपको पता चलता है कि वॉल की पोजीशंस क्या है और वो कब ओपन होंगे। एंड क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, इससे आपको क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन पता चलती है, जिससे हम लोग एग्जॉस्ट वॉल ओपन कब होने वाले हैं, इनलेट वॉल ओपन कब होने वाले हैं, क्लोज होने वाले हैं और इग्निशन कब होना वाला है उसकी टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट सेंसर इज मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी मैप सेंसर। दिस सेंसर इज लोकेटेड इन इनटेक मैनिफोल्ड एंड इज यूज्ड टू मेजर इट्स प्रेशर। सो ये जो सेंसर होता है, ये इनटेक मैनिफोल्ड यानी जहां से एयर और फ्यूल का रेशो फ्लो करता है उसको इनटेक मैनिफोल्ड बोलते हैं, वहां पर लोकेट होता है और ये वहां पर प्रेशर बताता है, यानी ये सेंसर एयर का, जो इनटेक एयर है उसका प्रेशर हमको बताता है। देन द मेजर्ड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन ये मेजर करता है, ये ईसीएम को यानी इंजन कंट्रोल यूनिट को भेजी जाती है या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को भेजी जाती है और इससे इंजन का लोड, इंजन के ऊपर कितना लोड है वो इंजन को पता चलता है। तो ईसीएम इंजन लोड पता करता है कि इंजन का लोड पता चल जाएगा प्रेशर की वजह से और फिर वो कैलकुलेट करेगा कि उस वर्किंग साइकिल के लिए कितने फ्यूल को इंजेक्ट करना है। ये इंफॉर्मेशन के बाद में मॉनिटर ईसीयू को दो इंफॉर्मेशन और जरूरी होती है, वो होती है इंजन स्पीड और एयर का टेम्परेचर। तो इंजन स्पीड की, इंजन स्पीड सेंसर होता है जो इंजन की स्पीड बताता है और उसके बाद में एक एयर टेम्परेचर सेंसर होता है जो एयर का टेम्परेचर ईसीयू को बताता है। सो ये पहला सेंसर था जिसका नाम है मैप सेंसर और याद रखिए इसका यूज क्या है, इनटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर ये ईसीयू को भेजता है। द नेक्स्ट सेंसर इज थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर। तो ये पोजीशन, जैसे कि नाम में लिखा हुआ है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, तो ये सेंसर क्या करता है, थ्रॉटल की पोजीशन यानी आपका थ्रॉटल वॉल कितना ओपन है, कितना क्लोज है, 50% ओपन है, 60% ओपन है, ये इंफॉर्मेशन ईसीयू को भेजता है। ये सेंसर यानी सिंपल, हम गाड़ी को चला रहे हैं तो हम एसिलरेट करते हैं, आप जितना ज्यादा एसिलरेट करोगे उतना ज्यादा थ्रॉटल वॉल ओपन होता है। तो ये इंफॉर्मेशन इंजन का जो ईसीएम है, इंजन का जो कंप्यूटर है, उसको पता होनी चाहिए। इस सेंसर की जो लोकेशन होती है वो थ्रॉटल बॉडी में होता है और ये सेंसर क्या करता है, जो थ्रॉटल वॉल की मोमेंट होती है ओपनिंग और क्लोजिंग, वो एक वोल्टेज सिग्नल से सप्लाई करता है इंजन के। तीसरा सेंसर है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। इस सेंसर का काम है अंदर आने वाली, इंजन सिलेंडर के जो अंदर जो एयर आ रही है उसका टेम्परेचर मेजर करना। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। सो इट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ एयर एंटरिंग इन द इंजन। तो थ्रॉटल बॉडी के अंदर इस टेम्परेचर को लोकेट किया जाता है जहां से एयर इंजन के अंदर आती है। कोल्ड एयर इज बीइंग डेंसर रिक्वायर मोर फ्यूल कंपेयर टू वार्म एयर। तो टेम्परेचर से इंजन को पता चलता है कि कितना फ्यूल यूज करना है। अगर ठंडी एयर है तो फ्यूल ज्यादा लगेगा, वहीं अगर एयर का टेम्परेचर ज्यादा है तो कम फ्यूल इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए एयर का टेम्परेचर मेजर करना बहुत जरूरी है। तो जब ये इंफॉर्मेशन ईसीएम को जाती है तो उसके बाद एयर के टेम्परेचर के हिसाब से एयर फ्यूल रेशो को मेंटेन करने में ईसीएम को मदद मिलती है। तो इसीलिए इस सेंसर का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। हमारा नेक्स्ट सेंसर है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। इस सेंसर का काम है इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर ईसीएम को बताना। जैसे ही इंजन कूलेंट का सेंसर टेम्परेचर होगा वही इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर होगा।
अगर इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर ठंडा रहा तो हमको क्या करना पड़ेगा, एयर फ्यूल रेशो को रिच करना पड़ेगा। तो रिच एयर फ्यूल रेशो भेजने की वजह से क्या होगा, इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर मेंटेन होगा। अगर इंजन गर्म है, इंजन का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हमको एयर फ्यूल रेशो लीन करना पड़ेगा, यानी फ्यूल की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। और ये सब कुछ ये सेंसर कैसे करता है, ये हाई करंट फ्लो सप्लाई करता है जब इंजन ठंडा होता है, और कम करंट सप्लाई करता है जब इंजन गर्म होता है। तो इसके हिसाब से हम इंजन का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम कोल्ड कंडीशन में, ठंड के मौसम में अगर गाड़ी शुरू कर रहे हैं, तो इंजन का टेम्परेचर कम रहेगा और इंजन को प्रॉपर फ्यूल की बर्निंग होने के लिए एयर की, फ्यूल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ऐसे टाइम पर हम लोग रिच एयर फ्यूल रेशो सप्लाई करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस सेंसर इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट वन। सो ये जितने सेंसर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक कंपलसरी सेंसर है जो एक MPFI सिस्टम में होते ही है। हमारा अगला सेंसर है ऑक्सीजन सेंसर, जिसका दूसरा नाम है लैम्बडा सेंसर। इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्ट गैस सेंसर। ये जो सेंसर रहता है, ये मेजर करता है ऑक्सीजन लेवल का, एग्जॉस्ट गैस में कितना ऑक्सीजन वेस्ट गया है वो मेजर करता है। और इस चीज को पता करने से आपके इंजन की एफिशिएंसी पता चलती है। तो ये ऑक्सीजन सेंसर क्या करता है कि एग्जॉस्ट गैस के अंदर ऑक्सीजन का लेवल मेजर करता है, और वो ECM को भेजता है, और ECM वो डाटा रिसीव करने के बाद अगला जो ऑपरेटिंग साइकिल होने वाला है उसका फ्यूल का क्वांटिटी डिसाइड करता है। सो ये सेंसर की लोकेशन रहेगी आपके गाड़ी के साइलेंसर में। तो साइलेंसर में ये सेंसर लगा हुआ रहता है, ऑक्सीजन का लेवल आपके इंजन को पता चलेगा, और उसके हिसाब से अगली वर्किंग साइकिल में एयर फ्यूल का जो रेशो है वो मेंटेन किया जाएगा, ताकि कंप्लीट कंबशन पॉसिबल हो। सो दैट्स व्हाई दिस सेंसर इज इंपॉर्टेंट। देन व्हीकल स्पीड सेंसर, जैसा कि नाम है, ये किस काम में आएगा, व्हीकल की स्पीड बताएगा। तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी, इट इज लोकेटेड ऑन स्पीडोमीटर और द ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। गियर बॉक्स फाइनल वेलोसिटी देता है आपके व्हीकल को। तो या तो स्पीडोमीटर पे सेंसर लगाया जाता है, या गियर बॉक्स की आउटपुट शाफ्ट के ऊपर। ये जो सेंसर है, इंजन स्पीड के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है आपके ECM को। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंसर। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कैमशाफ्ट पोजीशनिंग सेंसर। तो ये जो कैमशाफ्ट पोजीशनिंग सेंसर है, ये कैम की पोजीशन बताता है। अब कैम की पोजीशन बता रहा है, तो इससे डिसाइड होगा कि आपके इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल ओपन और क्लोज कब होंगे। आपका जो ECM होता है उसके अंदर एक और पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल होता है, यानी इसको ECM भी बोला जाता है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, या कहीं कहीं पे हम लोग इसको पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो ये पोजीशन क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन के हिसाब से आपको पोजीशन बताता है कैमशाफ्ट की। देन द पोजीशन ऑफ द कैमशाफ्ट मेक्स द PCM टू नो द टाइमिंग ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ इनटेक वॉल्व। तो कैम की पोजीशन पता चाहिए तो आपको पता रहेगा कि इनलेट वॉल्व और कब ओपन होने वाला है, कब बंद होने वाला है। तो उसके हिसाब से जो आपका ECM है वो फ्यूल इंजेक्टर की टाइमिंग डिसाइड करेगा कि कब किस टाइम पर फ्यूल को इंजेक्ट करना है। तो इंजेक्ट कब होना चाहिए, जब सक्शन होने वाला है, जब इनलेट वॉल्व ओपन होने वाला है, उसके ठीक पहले आपका जो फ्यूल का इंजेक्शन होना चाहिए। और ये इंजन को, ECM को कैसे पता चलेगा, कैमशाफ्ट की वजह से। तो कैमशाफ्ट की वजह से आपके सिस्टम को पता चलता है कि कब इंजेक्टर की टाइमिंग डिसाइड करने में हेल्प करता है, फ्यूल कब इंजेक्ट होगा ये डिसाइड करने के लिए कैमशाफ्ट पोजीशनिंग सेंसर की जरूरत पड़ती है। देन क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, दिस सेंसर इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन RPM सेंसर, दैट इज यूज्ड फॉर सिलेंडर आइडेंटिफिकेशन एंड टू डिटेक्ट इंजिन स्पीड। तो
तो ये सेंसर से हमको दो चीजें पता चलती हैं। एक तो कौन से इंजन की पोजीशन क्या है, यानी पिस्टन की पोजीशन कहाँ पर है वो पता चलता है, दूसरा इंजन की स्पीड भी इससे हमको पता चल जाती है। ये सेंसर बेसिकली यूज किया जाता है इंजेक्टर की टाइमिंग को चेंज करने के लिए, फ्यूल इंजेक्टर की टाइमिंग, इग्निशन की टाइमिंग को मैनेज करने के लिए ये सेंसर यूज किया जाता है। तो क्रैंकशाफ्ट पोजीशनिंग सेंसर, आपको क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट से ही आपके सारे फ्यूल इंजेक्टर हो गया या वॉल्व ऑपरेटिंग हो गया या बाकी सारे जो भी कंपोनेंट है जो इंजन के सिस्टम है वो क्रैंकशाफ्ट से ही पावर लेते हैं। तो इसीलिए क्रैंकशाफ्ट की पोजीशनिंग हमको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी इंजेक्टर टाइमिंग और इग्निशन टाइमिंग डिसाइड की जाती है। तो आखिरी में डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एमपीएफआई सिस्टम। सबसे पहला एडवांटेज है द पावर जनरेटेड बाय द इंजन इज मोर देन द कार्बोरेशन सिस्टम। अब एमपीएफआई में हम लोग क्या कर रहे हैं, हर वर्किंग साइकिल के लिए जितनी फ्यूल की जरूरत है उतना ही फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए पावर जनरेशन ज्यादा होता है कार्बोरेशन के मुकाबले। बेटर इंजन परफॉर्मेंस एट ऑल इंजन स्पीड, हम इंजन स्पीड के हिसाब से फ्यूल सप्लाई करते हैं, तो इसीलिए इंजन का परफॉर्मेंस हर स्पीड पे बहुत अच्छा होगा। देन इंजन वाइब्रेशंस फॉर एमपीएफआई इज वेरी लेस, हेंस द लाइफ ऑफ एमपीएफआई सिस्टम इज हाई। तो जिस इंजन में एमपीएफआई लगा हुआ रहेगा तो वहां पे वाइब्रेशंस कम होंगे, वाइब्रेशंस कम होंगे तो वियर एंड टियर नहीं होगा, और वियर एंड टियर नहीं हो रहा है तो इस इंजन की लाइफ भी बहुत बढ़ जाएगी। तो एमपीएफआई वाला जो इंजन होता है उसकी लाइफ ज्यादा होती है, परफॉर्मेंस बेटर होता है। देन दिस सिस्टम इज वेरी रिस्पॉन्सिव इन केस ऑफ सडन एसिलरेशन और डी एसिलरेशन। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज्यादा होता है, यानी सिस्टम क्या होता है, इंजन की स्पीड को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। तो इसीलिए आपने अगर एसिलरेशन जल्दी बढ़ाया, बहुत सडन एसिलरेट किया गाड़ी को, तब भी इंजन का एसिलरेशन जो स्पीड है वो कम नहीं होती है, तो सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है किसी भी कंडीशन में। लोअर फ्यूल कंजम्पशन बेटर लीड्स टू बेटर माइलेज, माइलेज में इम्प्रूवमेंट होता है क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम होता है। अब प्रिसाइज कंट्रोल करते हैं तो फ्यूल का अगर यूज जो है वो बहुत इफेक्टिवली करने की वजह से माइलेज बहुत अच्छा हो जाता है। एंड द लास्ट, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ एमपीएफआई इज हाई। तो सेम इंजन के लिए, इंजन का सेम साइज रहेगा पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम बहुत इफेक्टिवली फ्यूल को यूज कर रहे हैं एमपीएफआई सिस्टम में। तो ये एडवांटेज होते हैं एमपीएफआई सिस्टम के। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, तो कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो इसके ऊपर पूछा जाता है। ड्रॉ द लेआउट ऑफ एमपीएफआई, हमने इस वीडियो लेक्चर में लेआउट देखा है तो वो डायग्राम ड्रॉ कीजिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। देन एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ एमपीएफआई विथ नीट स्केच, तो एमपीएफआई का एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए और उसके सारे कंपोनेंट्स की वर्किंग एक्सप्लेन कीजिए। देन लिस्ट वेरियस सेंसर यूज्ड इन एमपीएफआई, सारे सेंसर की लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। एंड देन लास्ट इज राइट एडवांटेजेस ऑफ एमपीएफआई, तो एमपीएफआई के एडवांटेजेस आपको एक्सप्लेन करने हैं। सो ये सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे सीआरडीआई के बारे में। टिल देन थैंक यू एंड कीप लर्निंग।